टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ओशा कॉम्प्लेक्स, इवेस चौराहा, मेरठ। नमस्कार, मैं जिया और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। सुरंग बनाकर चोरी करने के एक मामले का परतापुर थाना पुलिस खुलासा कर अपनी पीठ भले ही थपथपा चुकी हो, लेकिन हकीकत यही है कि मेरठ में इसी तर्ज पर सुरंग बनाकर ज्वेलरी शोरूम को साफ करने की घटनाओं पर कोई रोक नहीं लग पाई है। तब परतापुर थाना पुलिस ने खुलासा किया था कि सुरंग बनाकर इस कांड को बाप बेटा अंजाम देते थे। बेटा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था और उसके बाप को पुलिस डेढ़ माह बाद भी गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। क्या ये महज इत्तफाक है कि बीते दिवस बाप भी तुरंत ही पुलिस को मिल गया और जेल ले जाकर उसकी बेटे से मुलाकात करा दी गई, ये जानने के लिए कि सुरंग बनाकर चोरी करने की वारदातों में कमी आने की बजाय इजाफा कैसे हो गया है। सवाल उठ रहा है कि क्या तब परतापुर पुलिस ने दबाव बढ़ने पर इस मामले का ऐसे ही खुलासा कर दिया था या फिर उसने वाकई पीठ थपथपाने जैसा काम किया है। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश के संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा ने अंबिका ज्वेलरी शोरूम पहुंचकर चेतावनी दी है कि यदि रविवार तक इस घटना का खुलासा नहीं किया गया तो वह दोषी पुलिस अफसरों के बारे में मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगे। मेरठ रिठानी पीर के पास 15 फीट की सुरंग बनाकर दीपक ज्वेलर्स एंड जनरल स्टोर में 2 फरवरी को चोरी की गई थी। परतापुर पुलिस ने करीब 10 दिन बाद खुलासा किया कि सुरंग बनाकर चोरी करने की वारदात को बाप बेटे ने अंजाम दिया है। पुलिस ने ब्रजमोहन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि गाजियाबाद लोनी निवासी गैंग लीडर बताए गए पिता सुरेंद्र उर्फ देवेंद्र को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। कल सुरेंद्र को पुलिस जेल ले गई तो बाप बेटे ने साफ कहा कि उन्हें सुरंग गैंग में झूठा फंसाया गया है। बीते 28 मार्च को गढ़ रोड स्थित न्यू अंबिका ज्वेलर्स शोरूम में बदमाशों ने ठीक पुरानी तर्ज पर सुरंग बनाकर जेवरात व नकदी की चोरी कर ली। इनकी कीमत 13 लाख रुपए बताई गई है। इससे पूर्व 2 मार्च को गढ़ रोड पर ही प्रिया ज्वेलर्स के शोरूम को बदमाशों ने अपना निशाना बनाया। प्रिया पर बदमाशों ने ऐसा दूसरी बार किया है। गंभीर बात यह भी है कि इस सुरंग गैंग की विशेषता यह भी है कि घटना के बाद जाते हुए एक नोट भी लेकर छोड़ रहा है। समझा जा सकता है कि ये ग्रोह पुलिस प्रणाली से पूरी तरह वाकिफ है और उसे पकड़े जाने का खौफ नहीं है। न्यू अंबिका ज्वेलरी शोरूम में तो वह यहाँ तक लेकर चला गया कि भाई हमारी मजबूरी है, चोरी करना माफ कर देना और आपका फर्श बहुत मजबूत है। यानी उसे तोड़ने में बदमाशों को मशक्कत करनी पड़ी। बुधवार को मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के बुलावे पर पहुंचे एसएसपी रोहित सजवाण के सामने व्यापारियों ने सर्राफा व्यापारियों संघ हो रही वारदातों पर चिंता जताई। एसएसपी ने 3-4 दिन में सुरंग गैंग के खुलासे का उन्हें आश्वासन दिया है। वहीं व्यापारियों ने पुलिस को रविवार तक का अल्टीमेटम इस खुलासे के लिए दिया है। आज मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के महामंत्री विजय आनंद ने फर्स्ट बाइट के टीवी के माध्यम से यह संदेश दिया। मेरठ के अंदर सर्राफा व्यापारियों के साथ लगातार पिछले कुछ माह में जिस तरह की ये सुरंग बनाकर लूट के प्रयास की घटनाएं हुई हैं, ये बेहद दुखद है और हम लोगों के व्यापार को जो हम विस्तार करना चाहते थे उसको रोकने वाली है। मेरा मेरठ के पुलिस प्रशासन से सभी से निवेदन है कि इन घटनाओं को गंभीरता से अनावरण करें और सही तरीके से अनावरण करें, हमारे माल की बरामदगी हो। संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष अजय गुप्ता का इस बारे में यह कहना है। सुरंग की पहली घटना को जिस प्रकार फर्जी खोला गया, फर्जी व्यक्ति जेल भेजे गए, उस कारण से बार बार वो अपराध की पुनरावृत्ति हो रही है और ये अपराध का एक नया तरीका अपराधियों ने निकाला है जो मेरठ पुलिस के लिए एक चुनौतीपूर्ण काम था, जिसे चुनौती स्वीकार करनी चाहिए थी। उसके बजाय फर्जी खोलकर फर्जी लोगों को जेल भेजकर अपराधियों को उस अपराध के लिए पुनः बढ़ाने का काम मेरठ पुलिस ने किया। ऐसे थानेदार के खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि घटनाओं को फर्जी खोलने पर पाबंदी लग सके, रोक लग सके। उत्तर प्रदेश भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा ने यह कहा। सराफा व्यापारियों के साथ जो चौथी घटना सुरंग खोदकर और ये डकैती और बड़ी चोरी की घटना को लेकर व्यापारी को रोष था। मैं घटना वाले दिन भी व्यापारी के पहुंचा था
और मेरी सभी अधिकारियों से बात हुई थी। आज भी मैं न्यू अंबिका ज्वेलर्स कैब पहुंचा और मेरी अधिकारियों से सबसे बात हुई। अधिकारियों का कहना है इस घटना को मैं मालिक हम जल्दी खोलेंगे, तो मैंने उनको एक ही बात कही है, ये समाजवादी पार्टी की सरकार ने, श्री मोदी श्री योगी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में श्री योगी की सरकार में अपराधी आज भयभीत है, अपराधी जेल से हम जमानत लेने को तैयार नहीं है, अतीक अतीक हो, मुख्तार हो, याकूब हो, आजम हो, आज भैसे कांप रहे हैं अपराध करने के भैसे। और मेरठ में ये सुरंग खोदने वाला कौन सा गैंग पैदा हो गया जो मेरठ की पुलिस उसको अभी तक पकड़ नहीं पा रही। मैंने मेरठ जोन के एडीजी, मेरठ जोन के आईजी, मेरठ के एसएसपी, एसपी सिटी और सबको मैंने एक ही बात कही है कि ये घटना बहुत जल्दी खुलनी चाहिए, मैं माल के खुलनी चाहिए। और आज मैंने सीओ सिविलियन को लाकर मैंने कहा है अगर रविवार तक ये घटना नहीं खुली तो मैं इसके सिवा आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखूंगा, और जो अपराधी जो इसमें अपराधी हैं उनको आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, और वो जो जो अधिकारी और जो पुलिस कर्मी इसमें दोषी होंगे वो उनको सजा मिलेगी। वर्तमान अकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th, स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्तमान अकेडमी, रेलवे रोड, मेरठ।